हर हर महादेव दोस्तों, उत्तराखंड चार धाम की पवित्र यात्रा अक्षय तृतीया के दिन 10 मई 2024 दिन शुक्रवार से शुरू हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री तथा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे, जबकि 12 मई को बैकुंड धाम, बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। चार धाम की पवित्र यात्रा के लिए 20 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं और 8 मई से चार धाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। जिन भक्तों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं, वो काउंटर पर जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की कुछ खास बातें और आप इन धामों तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। इस साल 2024 में चार धाम की पवित्र यात्रा की शुरुआत 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन हो रही है। 10 मई को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ उत्तराखंड चार धाम की पवित्र यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। चार धाम यात्रा के लिए 20 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को स्लॉट फुल हो जाने के कारण 3 मई को बंद कर दिया गया है, लेकिन 8 मई से आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सेवा शुरू हो गई है। आप चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों की बात करें तो बहुत से लोगों को यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी इस साल 2024 में उत्तराखंड चार धाम की यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चारों धामों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीडियो में अंत तक बने रहना। हिंदू धर्म ग्रंथों में चारों धामों को बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में चारों धामों की यात्रा कर ले तो उसको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ को चार पवित्र धामों में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के चार पवित्र धामों की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में खत्म होती है। पहले नंबर पर आता है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है। हिंदू धर्म की तीन पवित्र नदियों में से एक यमुना नदी का उद्गम इसी स्थान से होता है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। यमुनोत्री धाम में यमुना मैया के दिव्य दर्शन होते हैं। यमुना मैया का यह मंदिर बंदर पूछ के पर्वत शिखर पर स्थित है। यमुनोत्री धाम में मंदिर के पास ही एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है। गर्म कुंड में स्नान करने के पश्चात ही सभी भक्त यमुना मैया के दिव्य दर्शन करने के लिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम पहुँचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार में ही स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। आप यहां से बस तथा टैक्सी लेकर आसानी के साथ यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री धाम का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांड एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। आप एयरपोर्ट के बाहर से बस तथा टैक्सी लेकर आसानी के साथ यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार तथा ऋषिकेश से उत्तराखंड राज्य परिवहन की बस लेकर आसानी के साथ यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है। गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर से ही भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जो कि मोक्षदायिनी गंगा नदी की मुख्य धाराओं में से एक है। गौमुख को गंगा नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। वैसे देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी के साथ संगम करके मोक्षदायिनी गंगा मैया का निर्माण करती है। गौमुख ग्लेशियर गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौमुख ग्लेशियर तक जाने का रास्ता भारत के दुर्गम रास्तों में से एक है। गंगोत्री धाम में गंगा मैया के दिव्य दर्शन होते हैं। गंगोत्री में गंगा नदी की मुख्य जलधार में स्नान करने के पश्चात गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर में जाकर गंगा मैया के दिव्य दर्शन करते हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा में आप अन्य धार्मिक स्थानों के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे भैरव घाटी, मुखबा गांव, हरसिल, नंदन वन तपोवन, गंगोत्री चीरबासा और केदारताल। गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार में ही स्थित है। आप हरिद्वार से बस तथा टैक्सी लेकर आसानी के साथ गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। गंगोत्री धाम का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। आप एयरपोर्ट से बस तथा टैक्सी लेकर आसानी के साथ गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। नंबर तीन पर आता है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम उत्तराखंड चार धामों में से एक धाम है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। केदारनाथ धाम उत्तर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है।
यह स्थान समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम के इस पवित्र क्षेत्र को केदार खंड के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद जो भी व्यक्ति जल को ग्रहण कर लेता है वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। केदारनाथ धाम को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के बाहर चबूतरे पर नंदी विराजमान है। मंदिर के पीछे की ओर भीमशिला के दिव्य दर्शन होते हैं। भीमशिला वही पत्थर है जिसने 2013 की महाप्रलय में मंदिर को बचाया। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान आप अन्य पवित्र स्थानों के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति, भैरव बाबा का मंदिर, गौरी कुंड, वासुकी ताल तथा त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण वही स्थान है जहाँ पर शिव पार्वती विवाह हुआ था। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको सोनप्रयाग पहुंचना होगा। सोनप्रयाग से उत्तराखंड गवर्नमेंट की टैक्सी लेकर गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड से पवित्र केदारनाथ धाम की 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। केदारनाथ धाम का नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार से बस तथा टैक्सी लेकर सोनप्रयाग तक आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। केदारनाथ धाम का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बस तथा टैक्सी लेकर आसानी के साथ सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4 पर आता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड तथा भारत के 4 धामों में से एक धाम है। बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम को नर और नारायण का संगम स्थल भी कहा जाता है। अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ धाम को विशालपुरी भी कहा गया है। बद्रीनाथ धाम में विष्णु भगवान की विशेष पूजा की जाती है। बद्री विशाल के गर्भगृह में विष्णु भगवान पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है। पवित्र बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी भक्त गर्म कुंड में स्नान करने के पश्चात बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आप अन्य धार्मिक स्थानों के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे माना गाँव, गणेश गुफा, वासुधरा फॉल तथा हिंदू धर्म की 3 पवित्र नदियों में से एक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। सरस्वती नदी के दिव्य दर्शन बद्रीनाथ के माना गांव में ही होते हैं। बद्रीनाथ के बाद सरस्वती नदी अदृश्य रूप में बहती है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार में स्थित है। आप हरिद्वार से बस तथा टैक्सी लेकर आसानी के साथ बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। आप एयरपोर्ट से बस तथा टैक्सी लेकर आसानी के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के 4 पवित्र धाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।